अरे व्लॉग चल रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहे हो। हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग इंटरनेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टू वन मोर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं नोएडा फिल्म सिटी, नहीं कोई फिल्म की शूट वूट करने नहीं है, कोई फिल्म रिलेटेड कोई काम नहीं है मेरा। मैं जा रहा हूँ मेरे एक सीनियर से मिलने, जिनके साथ मैं मिलूँगा आफ्टर सम वेल एंड गुड ईयर्स। ये देखो क्या हाल हो रखा है, ये गाज़ियाबाद यूपी बॉर्डर है। मैं चाहे तो रॉन्ग साइड से जा सकता था, बट बीइंग एन एथिकल पर्सन आई स्टिक टू द रूल्स। हम दिल्ली में एंटर किए गाज़ियाबाद से। देखो कैसे बीच रास्ते में अचानक से रुक जाते हैं ये लोग, क्या ही कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट को तो कुछ बोलो ही मत। जो हाल अभी कलकत्ते में हो रखा है, सो मतलब शेमफुल एन एक्ट। Anyways, let's not spoil your morning and my morning with what our government is at failure. तो खैर मैं क्यों जा रहा हूँ नोएडा फिल्म सिटी वो आपको बता दूँ। तो ये जो मेरा सीनियर सर है अमित सर, तो ये मेरे साथ लास्ट टू लास्ट ऑफिस, अब तो मैं कॉरपोरेट लाइफ क्विट कर चुका हूँ, तो लास्ट टू लास्ट ऑफिस में ही वॉज माई सीनियर, ही वॉज लीडिंग द ग्राफिक्स टीम देयर। वी हैड अ गुड बॉन्डिंग एंड बीच में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं किस कारण वी वेरेंट इन कॉन्टैक्ट। अभी मैं जा रहा हूँ उन्हीं से मिलने, जस्ट से हाय हेलो। उनको मेरा बाइक भी चलाना था, इससे पहले जितने भी मैंने बाइक ली है व्हाइल आई वाज एट दैट कंपनी ड्यूरिंग दैट टेन्योर, दैट इंक्लूड्स द ड्यूक 390, द डोमिनार, तो वो मेरे बाइक चलाते थे ज़रूर, और इस बार भी वही होंगे। कल रात को यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई दिल्ली उसमें, तो इसीलिए मौसम अभी थोड़ा सा ऑन द कूलर साइड है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये मेरा जो राइनॉक्स वाला जो मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में, तो ये जैकेट इट्स वेरी कंफर्टेबल था। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो ये जो राइडिंग जैकेट्स है ना, स्पेशली जो मेस्ट राइडिंग जैकेट्स है जिसमें हवा आर पार जाती है अंदर, तो इसमें ना नीचे कभी जो हाफ स्लीव टी शर्ट्स जो होते हैं हमारे वो मत पहनना, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जो भी बाहर का जो मौसम है, गर्मी है, धूल मिट्टी है, जो भी है, वो जब आप चलाते हो ये पूरा मेश के थ्रू आप डायरेक्टली आपके स्किन को हिट करता है, तो अवॉइड डूइंग दैट। आई ऑलवेज वेयर अ फुल स्लीव शर्ट और अ फुल स्लीव टी, ऐसे मैं अंदर पहना हूँ। अभी से मैं खोल के तो नहीं दिखा सकता, अभी मैं ऊपर से ही चला जाता हूँ, अभी मैं नीचे से नहीं जाऊँगा ऊपर से जाके, क्योंकि ये वाला जो एक नया फ्लाई ओवर वो बन रहा था वो खोल दिया। ये भी आपको दिखा देता हूँ, तो दिस इज़ द ओल्ड दिलशाद गार्डन फ्लाई ओवर, और इसके आगे ही वो लोग एक नया बना रहे थे जो काफ़ी क्विकली बन गया कंपेयर टू अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन दिल्ली और NCR। फिर से बंद कर दिया इन्होंने, मैं कल ही गाड़ी लेके इसके ऊपर से गया हूँ, फिर इन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं क्या ही हो गया। तो दिस वॉज द फ्लाई ओवर आई वॉज इंटेंडिंग टू शो यू गाइज ऊपर से जाके, फिर क्या हो गया भाई। ओह ये बहुत रिस्की होता है, ये जो गाय होते हैं ना, काफ़ी हाई चांसेस होता है क्रैशेस के। पीछे एक गाड़ी ना बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत भगा के, सिल्वर कलर की, तो एकदम से मेरे पीछे आके ब्रेक मारा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कैमरे का अलर्ट आ जाता है। सुजुकी की कोई गाड़ी है, लेफ्ट से जाएगी अभी, ये वाली, ये जो 9985 है, ये कितना गंदा चला रहा है, इसका गाड़ी का जो हाल है पीछे से आपको अंदाज़ा लगेगा। बहुत बार बहुत लोगों ने पप्पी दी है इनको, विच प्रूव्स के हाउ एग्जैक्टली बैड ही मस्ट बी। बाइक में एटलीस्ट ये टेंशन अभी तक तो नहीं है कि स्पीड कैमरे को देख के चलो, मान के चलो। डकैती, आई मीन डुकाटी, इन 200 मीटर्स टर्न राइट ऑन टू फिल्म सिटी रोड। अच्छा 500 मीटर्स टर्न लेफ्ट देन टर्न राइट। चलो भैया घुमा लेते हैं इधर से, फोन मिलाते हैं।
और ये मिरर्स, दीज आर वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद द मिरर्स एंड इट्स परफॉर्मेंस। अरे व्लॉग चल रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहे हो, हेलो बोल दो ऑडियंस को। दैट्स अमित सर के बारे में मैं बता रहा था, बहुत सालों बाद मिले ना। हाँ जी। चलाओ प्रथा को पूरी करो। क्या तो ये नोएडा का वन ऑफ द कोर ऑफिस एरियाज है, बहुत सारे ऑफिसेज दिख रहे हैं मेरे को, बहुत सारे ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। आज संडे है फिर भी ऑफिसेज ओपन है। देख के मेरे को अपना बीपीओ लाइफ याद आ जाता है, जब मैं कभी संडे ऑफ नहीं होने के लिए रोता था, मतलब मारामारी चलती थी, प्रेफरेंस दिया जाता था लड़कियों को। क्या मस्त साउंड आती है इसकी। कैसा लगा? पर दोनों की फील अलग है। कौन दोनों की? इसकी और इसकी। हाँ, दिस इज जस्ट साउंडिंग लाइक अ रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड अलग जॉनर है, ये अलग जॉनर है। हाँ चलो। तो मिल लिया और आप लोगों को भी मिला लिया अमित सर से। अभी मैं घर ही जाऊंगा वापस, कहीं और नहीं जाना है मेरे को। वैसा कुछ काम है नहीं, धावा वावा जाके क्या ही करूंगा मैं, सेम वही बोरिंग सा। मैं सामने लेफ्ट लेके अट्टा से निकल सकता हूँ, नोएडा सेक्टर 18 होते हुए। बाकी लाइक द बाइक, ये देखो ना गाज़ियाबाद सेक्टर 18 लेफ्ट, मैं यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ। एक मज़ेदार बात यह होगी, अमित सर जब चला रहे थे उस टाइम पर मेरा मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, क्योंकि अमित सर चला के आए एक राउंड जैसा कि आपने देखा व्लॉग में, और उसके बाद ही सेट के सर चल चाय पीते हैं, तो हम एक चाय की टपरी में गए और उन्होंने बोला चल पीछे बैठ जा। मैं एकदम से बैठ गया, मेरे को दिमाग में ये है ही नहीं कि मेरे सीट कवर लगे हुए। मैं अपना फुल जो भी मेरा वज़न है 80-90-95 आई डोंट नो व्हाट माय वेट इज़, उसको लेके मैं एकदम से छलांग मार के मेरे सीट कवर के ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद मेरे को याद आया अबे इसमें तो सीट कवर लगा, मैं तो सीट कवर के ऊपर ही बैठ गया। इस बाइक को फास्ट से ज़्यादा ना स्लो चलाओगे तो मज़ा ज़्यादा है, सब हर चीज़ में मज़ा है। यू विल गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, 38 की माइलेज तो सिटी में निकालती है ये। सो इफ़ यू आई एम राइडिंग लाइक दिस ऑब्वियसली आई विल गेट अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, एंड इफ़ यू आर विद इन द 100 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड रेंज ना, यू विल गेट वेरी डिसेंट माइलेज आउट ऑफ योर व्हीकल। इवन अपनी गाड़ी जो कि 1200 cc का इंजन है टियागो में, तो उसमें भी अगर मैं प्यार प्यार से चलाऊँ ना हाईवे पे, रिटर्न मी अ माइलेज ऑफ 24 विच इज़ अनबिलीवेबल। एक 1200 cc का इंजन, ठीक है टर्बो नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, बिकॉज आई एम जस्ट कीपिंग माई थ्रॉटल इन द रेंज ऑफ 80-100। द मोमेंट आई डू 120-130 द माइलेज ड्रॉप्स। और सिटी में तो वैसे भी क्लचिंग डिक्लचिंग आपको इतनी बार करना पड़ेगा कि आपका माइलेज विल अफेक्ट। कोई भी यूट्यूबर बोल दे अगर उसको इस बाइक पे या इस गाड़ी पे ये माइलेज मिलने वाली है या मिल रहा है, तो डोंट टेक दैट लाइक एन एब्सोल्यूट ट्रूथ और एनीथिंग लाइक दैट। उसको मिल रहा है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही मिलने वाला है। मे बी वो जहाँ पे रहता है उसका घर का रास्ता अच्छा हो, आपके घर के सामने रास्ते ख़राब हो, तो आपको बार बार स्टॉप एंड गो करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली योर माइलेज विल डीग्रेड एंड देन यू विल थिंक अरे इसने तो बोला था इसने 50 की माइलेज निकाल रही है, मेरे को तो साला 20-25 का मिल रहा है, तो साला यूट्यूबर गलत है। नहीं, आपकी सोच गलत है। अरे बाप रे ये क्या कर रहा है, खतरनाक, खतरों के खिलाड़ी। ये मेरा कभी ऑफिस हुआ करता था जो कि हॉन्टेड बिल्डिंग हुआ करता था, HCL, जो मेरे को जानते हैं ना, जिनको मैंने ये वाली कहानी बताई यही है वो बिल्डिंग। जो लोग मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है उन लोगों को तो फॉर श्योर पता है मैं इस रास्ते से ऑफिस कितनी बार गया हूँ। ये रास्ते पे मैं आने के लिए हर बार सोचता था बट कभी अंदर नहीं आया, आज आ गया वापस आते हुए। और आने का मेन मकसद है यहाँ से एक फ़ोटो खींचने का, और ये अभी
कल बारिश हुई ना, इसका एडवांटेज कहाँ पे है, ये जो रिफ्लेक्शन आ रही है ना, तो इसका बड़ा मस्त शॉट आता है, ये देखो। दैट्स हाउ आई क्लिक माय इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इनको मल्टीपल एंगल में खींच लो, जौन सा भी आपको अच्छा लगेगा वो बाद में आप एडिट कर लो। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ गोइंग सोलो, मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हो, कहीं पर भी फ़ोटो खींच सकते हो, रुक सकते हो, कुछ भी आपका मन चाहे वो कर सकते हो। नॉट नेसेसरीली कि आपको इसका सुनना पड़ेगा, उसका सुनना पड़ेगा, यार यहाँ पे नहीं रुकते, वहाँ पे नहीं रुकते, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे पानी है, ये सब झेलना नहीं पड़ता है आप लोगों को। जो लोग मेरे को देख रहे होंगे यहाँ पे आते हुए, मैं भी सोच रहे होंगे क्या पागल है ये, राइडिंग गियर्स पहन के कौन सा इस एरिया में जाता है। बट एवरी प्लेस हैज़ गॉट इट्स ओन ब्यूटी, और वो खोज के निकालना और फोटो क्लिक करना इज़ हमारा ड्यूटी। वाह वाह, क्या कविता लिखी है मैंने। चलो गाइस, आई विल टेक योर लीव फॉर दिस पर्टिकुलर व्लॉग, एंड आई सी यू गाइस अगेन इन सम नेक्स्ट व्लॉग। होपफुली आपके अब तक के वीडियोस पसंद आए होंगे, जो भी मैं इन दिनों ट्राई करता हूँ इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट और थोड़ा सा क्रिएटिव वे में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें दिखाने के लिए, और ट्रिप्स के वीडियो भी आएंगे, क्योंकि व्हेन यू लीव योर कॉर्पोरेट लाइफ अ डेफिनेट सैलरी एंड देन ट्राई एंड बिल्ड योर पैशन एज योर करियर, थिंग्स डोंट गेट वेरी रोजी एंड वेरी ईजी। तो आपको फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके देखना, पसंद आए तो लाइक करना, ज़रूरी लगे तो शेयर करना। आप लोगों के लिए ये सब कुछ फ्री है, हमें एक बाइक ख़रीदने के लिए पैसे, एडिट करने के लिए कंप्यूटर उसके लिए पैसे, ट्रिप में जाओ पेट्रोल के लिए पैसे, होटल में होटल के लिए पैसे, तो हर चीज़ के लिए हम अपने ही जेब से, मेरे जैसा यूट्यूबर तो अपने ही जेब से डाल डाल के करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रांड्स को अप्रोच नहीं करता हूँ, मैं मेरे ब्रांड्स को अप्रोच करता हूँ, बट देन अगेन से दे प्लेन एंड सिंपल डिनाई बिकॉज माई सब्सक्राइबर नंबर इज़ वेरी लो, और ये लो इसीलिए होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट सब्सक्राइब एंड देन वॉच, तभी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पाता है इन स्पाइट ऑफ द ह्यूमंगस एफर्ट्स दैट आई पुट इन एंड आई कॉन्स्टेंटली पुट इन। जो लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है उनको पता है मैं कितना कुछ इनपुट डालता रहता हूँ, बी इट इक्विपमेंट वाइज, एडिटिंग वाइज, कॉन्टेंट वाइज। तो तभी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखना। See you guys in the next video. Hoosah. Bye bye guys.